स्टूडेंट क्लब के शिलान्यास के अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय विधानसभा के अध्यक्ष टीपी जोशी साहब, नगरीय विकास मंत्री और इस प्रोजेक्ट को इस रूप में लाने में अहम भूमिका निभाई आदरणीय धारीवाल साहब, मुख्य सचिव महोदय आदरणीय शाह जी, हमारी विधानसभा के आदरणीय महावीर प्रसाद जी, और वास्तव में आज जिस खुशी का माहौल बना है इसका श्रेय जिस व्यक्ति की मेहनत को जाता है वो पवन अरोड़ा जी, आपको बहुत बहुत सच में आज का दिन राजस्थान के इतिहास का एक स्वर्णिम दिन बनेगा। आने वाली पीढ़ियां जब कभी यहाँ आएगी तो ये निश्चित रूप से कहेगी कि वास्तव में इस कैंपस को जिस रूप में उठाया आदरणीय भावड़ा जी के अति आग्रह के कारण से, भैरव सिंह जी ने पहली स्वीकृति देकर इस विधानसभा को जिस रूप में लेकर आए, उस व्यक्ति का योगदान इस स्थान को इस ऊंचाई तक ले जाने में नींव के पत्थर के रूप में उसका हमको शुरुआत। और मैं सोचता हूं कि उस भारी भीड़ की बस्ती में से जब शायद हटाया गया तो हम स्वयं भी मौजूद थे, हमें मन नहीं करता था कि उस पुरानी बिल्डिंग से बाहर जाएं, लेकिन जिस कल्पना ने इस स्थान तक लाया उसका यह स्वरूप बनने का कारण बन पाया, इसके लिए निश्चित रूप से आज भैरव सिंह जी को भी मैं नमन करना चाहता हूं। और वास्तव में भावड़ा जी के जो प्रयत्न था उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सच में सीपी जोशी साहब, ये दोनों प्रोजेक्ट को इस रूप में मुख्यमंत्री जी को भी आपने, जैसे वहां पहले भावड़ा जी ने तैयार किया वैसे आपने अपने आग्रह से, व्यवहार से, व्यक्तिगत संबंधों से इन दोनों कामों को जिस रूप में आप लेकर के आए, ये वास्तव में आने वाला समय बताएगा कि वास्तव में ये राजस्थान के लिए कैसा मापदंड कायम हुआ है जिसकी कल्पना शायद हम लोगों ने नहीं की। हम कई वर्षों से विधायक थे, जिस प्रकार से अपने विधायक जीवन में अपना समय गुजारते थे, जो छोटे छोटे क्वार्टर आपने हमको दिया था, अगर कोई हमारा रिश्तेदार भी आ जाता था और परिवार अगर साथ रहता था उसको सोने की जगह देने के लिए भी हमारे पास जगह नहीं। मैं सोचता हूँ उस सब में से निकल करके आज इस स्वरूप में लेके आए अरोड़ा जी, सच में आपकी टीम को धन्यवाद देते कि आपने यह जो 11 अगस्त के दिन भूमि पूजन किया और हाउसिंग बोर्ड इसको इस ऊंचाई तक लेकर के आ जाए, ये देख करके मैं जब रोज निकलता हूँ इस बिल्डिंग से तो मैं देख करके मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसा समयबद्ध कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का हाउसिंग बोर्ड प्रयत्न कर सकता है, जो हाउसिंग बोर्ड के बारे में आप और हम सब अच्छी प्रकार से परिचित हैं। उसमें इस प्रकार का परिवर्तन आना, निश्चित रूप से आपके साथ साथ आपकी उस टीम को धन्यवाद देता हूं जिसने इस मेहनत से इस कार्यक्रम को इतना ऊपर उठाने का प्रयास। सच में निश्चित रूप से आज हम सब लोग आपका स्वागत और अभिनंदन करते। मुख्यमंत्री जी ने जैसा बड़ा मन रख करके इन दोनों योजनाओं को स्वीकृति दी, ये इतनी उलझनों में फंसी हुई थी, कई बार प्रयत्न किया, कभी स्थान के बारे में संकट आ जाता तो कभी पैसे के बारे में संकट आ जाता, कभी विधायकों को खाली कराने का संकट आ जाता था, कभी कुछ आ जाता, प्रोजेक्ट बनाते थे प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ता। टीपी जोशी साहब आपको धन्यवाद इस बात के लिए कि आपने उन सब विधायकों को ये स्थान खाली करने के लिए जिस योजनाबद्ध तरीके से उनका पीछा आपने किया, खाली करने के लिए जब राजी नहीं थे, कई तरह के शब्द अखबारों में आते थे, तब आपने कोशिश किया कि इनकी जो मकान किराया इसको बढ़ाओ 50,000, फिर उसके बाद हाउसिंग बोर्ड के जो मकान बने हुए वो विधायकों को देने के लिए 50,00,000 से 30,00,000 करो, तब खुशी खुशी वहां चले गए और आपको ये जगह मिल गई, नहीं तो आप और मैं प्रयत्न करते करते ही थक जाता, तब भी परिणाम नहीं आता। तो आज उस समय जरूर अटपटा लगा होगा, लेकिन आपका वो प्रयत्न आज जिस ऊंचाई पर जाकर के खड़ा हुआ है
और निश्चित रूप से हम सब विधायकों के लिए भी, सभी अभी मंत्रीगण भी विराजमान है यहाँ, विधायकगण भी विराजमान है, उन सब की तरफ से बोल रहा हूँ मैं। वो नहीं बोल पा रहे क्योंकि वो मेरे सामने बैठे हैं। मैं आप सब की तरफ से सच में इस योजना को इस रूप में लाने के लिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। और इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बारे में तो केवल कल्पना ही कल्पना थी। हम भी लोकसभा में रहे, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी कभी गए, लेकिन हिंदुस्तान के किसी राज्य में आज दिन तक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नहीं बन पाया है। हिंदुस्तान का पहला राज्य है जिस पहले राज्य ने ये पहल की, और पहल भी इतनी अच्छी की है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये 80-90 करोड़ का प्रोजेक्ट आपने उस दिन पीपी जोशी साहब ने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, मुख्यमंत्री जी ने 21-22 के बजट में रखा, और आपने इस प्रोजेक्ट को तैयार करके 2-3 महीने में सब प्रकार की हमारी मीटिंग भी हो गई, आपकी भी हो गई, फाइनेंशियल स्वीकृति भी हो गई, इसकी टेक्निकल स्वीकृति भी हो गई, टेंडर भी हो गया, टेंडर वाला भी आ गया, और आज भूमि पूजन 9 तारीख को भी हो गया। इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। सच में मुख्यमंत्री जी आपने और सीपी जोशी साहब ने इन दो कामों के आधार पर वास्तव में विधायकों को अपने स्वयं के स्तर को उठाने में जो ये कामयाब होगा, इसका परिणाम आपको 10-20 साल के बाद दिखेगा कि वास्तव में यह एक जगह रहना और इस सारी व्यवस्था का उपयोग करना। पर धारीवाल जी, मेरी एक हो सकता है मुझसे कुछ लोग राय नहीं मिलाते हैं, लेकिन ये फोकट का काम बेकार का काम। अगर आपको इसको व्यवस्थित रूप से अच्छे ढंग से चलाना है तो निश्चित रूप से इसके लिए हमको किसी न किसी प्रकार का आमदनी का सोर्स भी बनाना पड़ेगा, ताकि आप जो कह रहे हैं ना वहाँ कचरा उगा हुआ है, वैसा ही कचरा 20 साल बाद हमारे यहाँ उग जाए। घबराने की जरूरत नहीं है। कौन कितना पैसा लगता है कितना नहीं है, इसकी सदस्यता शुल्क के आधार पर पैसा इकट्ठा करें। इसका उपयोग करने के लिए भी आपको निश्चित रूप से कोई तो भी रीजनेबल रेट तय करनी चाहिए। और दूसरा ये कि इसके आने का जो कैंपस है, इसको सब तरफ से जनरल ट्रैफिक से बंद करिए, ताकि ये सारा का सारा कैंपस एक तरह से सुरक्षित कैंपस के रूप में विधानसभा से लेकर के, रहने से लेकर के, ये क्लब से लेकर के, इसकी सुरक्षा पुख्ता और अच्छी प्रकार से हो सके। और यहाँ रहने वाला व्यक्ति ये महसूस करे कि निश्चित रूप से हमें जो कैंपस बना करके हाउसिंग बोर्ड ने दिया, जिस हाउसिंग बोर्ड के बारे में सबकी धारणा, मैं भी 40 साल से आपके मकान में ही रहता हूँ, और इसलिए आपके हाउसिंग बोर्ड से मेरे से अच्छा और कोई नहीं जानता, लेकिन आपने जो सुधार किया उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। सच में मैं आप सब मंत्रीगणों की तरफ से, विधायकों की, सांसदों की, जनप्रतिनिधियों सब की तरफ से ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ कि आपने जो कदम उठाया और जो इसको आगे बढ़ाया और समयबद्ध पूरा करने का जो निर्णय किया कि 18 महीने में बनेगा, मैं सोचता हूँ ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी हमारी सरकारी कामकाज की। मैं सोचता हूँ इसको एक मापदंड बना करके इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। एक बार मैं सब मंत्रीगणों व विधायकों की तरफ से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत, धन्यवाद।